हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, आदेश हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये जनता के नौकर है, जनता के सेवक है, और सेवक को सेवक की तरह काम करना चाहिए। बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय के एएन जयन के साथ मारपीट के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने और जिला अस्पताल से कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बाहर आए कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने गुरुवार को अपना जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों समर्थकों के साथ बाड़ी पहुंचे विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने यहां आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुले मंच से चेतावनी देते हुए कहा, कोई भी माइका लाल अगर जनता की तरफ नजर करेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। मलिंगा ने कहा, मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस बुलाकर सिर्फ एक बार उनको कहा था कि सरेंडर कर दो, उनके कहने से सरेंडर कर दिया। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने नौकरशाही पर तीखे हमले किए। गुड़ा ने कहा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो वह जनता का सेवक होता है और सेवक को सेवक के मुताबिक ही काम करना चाहिए। को बता दे, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत मिलने और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर गुरुवार को हजारों की तादाद में उनके समर्थक जिला अस्पताल पहुंच गए। ढोल नगाड़ों के साथ विधायक मलिंगा का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा, नगर विधायक बाजीब अली, बसेड़ी विधायक एवं अनुसूचित जनजाति बोर्ड के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा व करौली विधायक लखन मीणा भी मौजूद रहे। मलिंगा को बेल मिलने पर राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बड़ा बयान दिया। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जन जन के नेता है, उनके समर्थन में भीषण गर्मी में भी हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि मलिंगा जनता के हीरो है। वहीं विधायक मलिंगा के समर्थकों की ओर से बाड़ी शहर के गांधी पार्क में एक आम सभा का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने नौकरशाही पर जमकर हमला बोला। मलिंगा ने कहा कि हम लूटमार करते रहे और एक एक गांव से 80-80 हजार एक एक लाख रुपए की रोजाना लूटमार करते हैं और उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उन पर एक ही धमकी है तो हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो मुकदमों से कोई डरने वाले नहीं है, ना तो मुझे जिंदाने से डर लगता है और ना किसी गुंडे से डर लगता है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि आप तो जेल की बात कर रहे हैं, अगर हमारी जान भी जाएगी ना जब भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। वहीं मलिंगा ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि मलिंगा ने खुले मंच से कहा कि वहीं विधायक मलिंगा के स्वागत में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भी ब्यूरोक्रेसी पर तीखे हमले किए। गुड़ा ने कहा कि कोई भी कलेक्टर हो चाहे कोई भी एसपी हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, आदेश हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये जनता के नौकर है, जनता के सेवक है, और सेवक को सेवक की तरह काम करना चाहिए। यदि सेवक अपनी सीमाओं से बाहर जाएगा और लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो जनप्रतिनिधि को भी लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है। राजेंद्र गुड़ा ने आगे कहा कि मलिंगा तो मैं आपको बताता हूँ, जिस भी ऑफिस में जाता है पहले से अधिकारियों की दूसरी छुट्टा। मंत्री गुड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिरिराज सिंह मलिंगा को सुरक्षा लेने के लिए बोला था, लेकिन विधायक मलिंगा ने जनता के लिए समर्पित होने की बात कहकर सुरक्षा को नकार दिया। पॉलीटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलीटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।